हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए सिर्फ 2 चम्मच घी से पंचमेवा पाक, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पाक बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच देसी घी, और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिया है बादाम, और साथ ही मैंने लिया है फॉक्सनट यानी कि मखाना और काजू। तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी है जो मैंने यहाँ पर लिया है, दोनों ड्राई फ्रूट्स मिलाकर मैंने 1/2 कप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और इन्हें ना हमें अच्छे से घी में रोस्ट कर लेना जब तक कि ड्राई फ्रूट्स का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो बहुत ही कम टाइम में जो है ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो इसे कंटिन्यूस चलाएँ और बढ़िया से इन्हें थोड़ा सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करें। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तब हम इसे पैन से निकाल कर अलग रख लेंगे। अब इसी पैन में ना हमें डालना है मखाने, और मखाने को भी हमें रोस्ट करके लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स को मैं साइड में रख देती हूँ और मखाने हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने करीब 1 कप मखाने लिए हैं, और इन्हें भी बढ़िया से हमें क्रिस्प होने तक रोस्ट करके लेना है। तो कंटिन्यूस चलाएंगे और अच्छे से, जब तक मखाने बढ़िया क्रिस्प नहीं हो जाते एकदम क्रिस्पी, तब तक हम इसे रोस्ट करके लेंगे। देखिए इस तरीके से मखाने हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे, और इसी पैन में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पम्पकिन सीड्स, और साथ ही मैंने लिया है मेलन सीड्स। इसके साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच हम डाल देते हैं खसखस, और इन्हें भी हमें ना अच्छे से, जब तक ये सीड्स फूल नहीं जाते तब तक हम इसे रोस्ट करके लेंगे। तो सीड्स ना जब आप इसे रोस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम चट-चट करके आवाज़ आएगी, और सीड जो है साइज़ में थोड़ा सा जो है फूल जाएंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया है किशमिश, और बस साथ में अच्छे से इन्हें रोस्ट करके ले लेना है। और जब ये सीड्स अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तब हम इसे पैन से निकाल कर अलग कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि आप ना जब इस तरीके की चीज़ें भूनें या फिर रोस्ट करें ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे कंटिन्यूस चलाना है, अदरवाइज़ क्या होगा आपकी चीज़ें जो हैं जल जाएंगी। और अब इसी पैन में मैंने ले लिया है 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, और इसे भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक इसमें से बढ़िया से अच्छे से खुशबू ना आ जाए। तो 1 से 2 मिनट लगेगा और बढ़िया है ना नारियल जो है अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें ठंडी हो गई तो ना इसे मैं अच्छे से पाउडर बना के तैयार कर लूँगी। और अब एक पैन में हम डाल देते हैं 1 कटोरी शक्कर। तो मैंने घर की छोटी कटोरी से 1 कटोरी शक्कर लिया है, और 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है। बस शक्कर जब अच्छे से घुल जाए तब ना हम फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर ना चाशनी बनाएंगे 1 तार की। यहाँ पर मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया है, और चाशनी को चेक करने के लिए 1 ड्रॉप हम कटोरी में डालेंगे। और जब ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों उंगलियों के बीच में आपको 1 तार सा दिख रहा है। तो चाशनी हमारी बन के तैयार है, और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और बस सारी चीज़ें ना जो भी हमने तैयार करके रखी हैं वो हम इसमें एक एक करके मिलानी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सीड्स मैंने डाल दिए हैं, साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नारियल, और अब मैंने यहाँ पर मखाने और जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे बादाम और काजू, उसको भी अच्छे से ग्राइंड करके ले लिया है। तो ग्राइंड ना हमें पल्स मोड पर करना है, और बढ़िया इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक ग्रीस किए हुए कंटेनर में, या फिर आप कोई भी थाली या फिर ट्रे को घी से ग्रीस करें, और इसमें जितना भी मिक्सचर है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसे बिल्कुल अच्छे से फ्लैट करके ना सेट होने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही कम समय में और बिल्कुल झटपट से आपका ये बढ़िया सा पाक बन के तैयार हो जाता है। इसे एक स्पैचुला से ना ऊपर से अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, और आप चाहे ना तो कोई भी कटोरी से भी ना इसे अच्छे से प्रेस करके सेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा ना ऊपर से मैंने पिस्ता की गार्निशिंग कर दी है, तो बस पिस्ता की कतरन को इस ऊपर से स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे। तो हमारा जो बढ़िया सा जो पाक है वो सेट करने के लिए तैयार है। बट इसके पहले ना मैं इसके ऊपर जो है नाइफ से जो है कट लगा लूँगी, जिससे कि आपका जो पाक है जब बन के तैयार होगा तो इसमें से ना निकालने में आसानी रहेगी। तो देखिए 1/2 घंटे के बाद हमारा जो पंचमेवा पाक है बन के बिल्कुल तैयार है, और बहुत ही बढ़िया जो है दिखने में लग रहा है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।